तो जब फाइनली आपको ये समझ में आने लगता है, ये डाउट होता है कि भाई जिस तरह से इस रिश्ते में आप सीरियस हो, सामने वाला नहीं है, शायद उनके लिए ये रिश्ता एक टाइम पास हो सकता है, तब आपके लिए ये सोचना, ये डिसाइड करना कि कैसे उनको भी इस रिश्ते के लिए सीरियस बनाया जाए थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। पर एज ए रिलेशनशिप कोच मैंने काफ़ी लोगों से मुँह से ये बात सुनी है कि जब स्टार्टिंग का रिलेशन था ना, तब मैं इतना सीरियस नहीं था, जस्ट मैं फ्री था, जस्ट मतलब ऐसे ही लाइफ को इंजॉय कर रहा था या कर रही थी, एंड उस रिश्ते में आ गई एंड अब वो लाइफ में मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया, वो पर्सन इंपॉर्टेंट बन गया। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें हो सकती है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंसान स्टार्टिंग से सीरियस होता है, पर आपको ये समझना होगा कि एक लॉन्ग टर्म चीज़ है, मतलब दो दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में शायद आप ये चीज़ ना कर सको, पर जो इंसान टाइम पास कर रहा है या उनका इंटरेस्ट इतना नहीं है तो उनको धीरे धीरे कौन सी चीज़ें आपको करवानी है, हाँ वो कुछ लेवल आगे निकल जाएगा, उसके बाद उनके लिए आप और आपका ये रिलेशन नॉर्मल नहीं रहेगा, उनको सीरियस होना पड़ेगा। एंड ऑफकोर्स अगर शायद उन्होंने पहले से डिसाइड किया होगा ना, तो भी वो अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। सबसे पहली चीज जो हमें नहीं करनी होती वो ये है कि जब हमें पता चलता है कि भाई हम जितना एफर्ट या सीरियस है सामने वाला नहीं है, तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग से क्या करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं या हम ऐसा दिखाते हैं कि भाई हम खुश नहीं है, क्योंकि हमें जो चाहिए वो सामने वाला नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हम उसी चीज़ के ऊपर उनको मौका देते हैं। तो जैसे मैं अपने वीडियोस में कहता हूँ कि भाई आपको ना हो सके उतनी अच्छी मेमोरी देनी है, बुरा एक्सपीरियंस नहीं देना है, तो सबसे पहली चीज़ ये तो सवाल ही नहीं होता फाइट करने का, आर्ग्यूमेंट करने का या मूड ख़राब करने का, ऐसा दिखाना कि जैसे तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा या तुम्हें पता है वो टाइम पास कर रहा है। इस चीज़ को अगर आप स्किप नहीं करोगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। 90% लोग ऐसी सिचुएशन में यहीं पर फंस जाते हैं, यही रीज़न है कि टाइम पास करने वाला जल्दी से चला जाता है, तो उनको फाइट करने का कोई रीज़न मत दो। दूसरी चीज़, अब टाइम पास कर रहा है ठीक है, लेकिन आपके हाथ में एक चीज़ होती है जनाब, जब कोई इंसान ना आपके साथ कनेक्ट होता है, जब आपके साथ बात कर रहा होता है या किसी भी तरह का उनका आपके साथ कनेक्शन है, तो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ होती है वो इंसान आपके रिश्ते में सीरियस हो जाए, उस इंसान को इम्प्रेस करने के लिए या उस इंसान का माइंड, दिल, जान सब कुछ अपने रिश्ते में लाने के लिए। तो सेकंड चीज़ ये है भाई कि आपको ना धीरे धीरे उनके साथ अच्छा कनेक्शन बनाना है, तो उसके लिए क्या होगा, आप हल्की फुल्की जो भी बातें होती वो कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है, किसी भी तरह की बातें हो रही वो कोई बात ना करें जहाँ पर सामने वाला अनकम्फर्टेबल होता है या मतलब भागने की कोशिश करता है या किसी भी तरह की आपकी नाराज़गी नहीं दिखेगी, तो वैसी बातें तो चलती रहेगी, ठीक है। जैसे कि आप उनको कहते हैं कि यार मतलब तुम टाइम पास, तुम सीरियस नहीं हो, तुम मुझे लेकर, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल बातें। अब नॉर्मल बातों में ना कहीं कहीं एक फ्लो बन जाए, ठीक है, जैसे आप किसी भी इंसान के साथ मतलब ऐसे ऐसे बातें करते रहते हो ना, तो आपने डिसाइड किया होता है कि मुझे इस इंसान के साथ इतना ही रहना है, मतलब पर्सनल नहीं होना है, सीरियस चीज़ें नहीं करनी है, मतलब एक चीज़ होती है ना कि यहीं तक, ठीक है, और वही एक खास साइन भी होता है कि जो टाइम पास करते हैं वो बहुत गहरे नहीं उतरेंगे, मतलब दिल से खुलेंगे ही नहीं, अपने राज नहीं बताएंगे, सीक्रेट नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी भले ही उन्होंने कितना भी डिसाइड ना किया हो, पर आपको हमेशा उनको माहौल देते रहोगे ना एक नॉर्मली बात करने का, तो खुलेंगे, आपके सामने खिलेंगे, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ के शायद दुख बताए या अपनी लाइफ के कुछ सीक्रेट बताए या ऐसी चीज़ जो नॉर्मली इंसान किसी के साथ शेयर नहीं करता। ये आपका फर्स्ट विनिंग स्टेप होगा, पर ये आसानी से नहीं होगा, क्योंकि देखिए आप हमेशा उनको बात करने के लिए कम्फर्ट माहौल दे रहे हो, मौका दे रहे हो, और वो तभी हो पाएगा जब आपने पहली चीज़ लेट गो की होगी, फाइट वाली चीज़ें, क्योंकि आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा इसलिए फाइट करोगे। तो हमें यहाँ पर ये नहीं करना, नॉर्मल बातें रखनी है, तो ये सामने वाला बंदा कभी ना कभी ये एक गलती करेगा, आपके सामने खुल जाएगा, मतलब जो एक नॉर्मल टॉक होता है ना उससे ऊपर की चीज़ें वो करने लगता है, सीक्रेट शेयर करने लगता है, पर्सनल चीज़ें शेयर करने लगता है। एक चीज़ याद रखो कि ऐसी चीज़ें जो हम नॉर्मली हर किसी को नहीं बताते, इनफैक्ट टाइम पास करते हैं उनके साथ तो नहीं करते, पर वो कितना भी डिसाइड कर ले, अगर फ्लो में आपकी बातें चल रही है लगातार, ठीक है, तो वो चीज़ होनी होनी है। तो पहली चीज़ नहीं हुई फाइट, तभी दूसरी चीज़ ये आई कि फ्लो में ऐसी चीज़ें शेयर करने लगे। जब दूसरी चीज़ होगी, लाइक ज़्यादा कन्वर्जेशन है वो ऐसी बातों में हो गया उनकी तरफ से, तभी तीसरी चीज़ होगी, वो होती है एफर्ट लगाना, आपके लिए एफर्ट लगाना, थोड़े से ज़्यादा एफर्ट लगाना,
ठीक है। लाइक अभी क्या हुआ कि आपको कुछ उसने ऐसा बता दिया तो समथिंग इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप भी उनके लिए एक वैल्यूबल पर्सन थोड़े से तो बने हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, जब इंसान ये दो बातें बोलता है ना कि मैंने तुम्हें ये बताया जो मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी को नहीं बताया, या मैंने तेरे लिए ये किया जो मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी के लिए नहीं किया, तो समझ लेना चाहिए कि आप सारी दुनिया से कहीं ना कहीं उनके लिए ज़्यादा मायने रखते हो। तो छोटे मोटे एफर्ट आपके लिए लगा सकता है, आपकी केयर कर सकता है, भले वो रिलेशन के बारे में या इमोशन के बारे में अभी बातें ना करें, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम तभी समझो। अब हमारी गलती ये होती है कि हम लोगों के वर्ड को पकड़ते हैं कि वो आई लव यू बोलता है, आई मिस यू बोलता है, हम ये नहीं देख रहे कि लाइक वो कैसे केयर करता है, वो कैसे रख रहा है, ठीक है, कितना अपना टाइम दे रहा है, कितना अपना एफर्ट दे रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि वो कमिटमेंट में शायद ना दे या ऐसी बातें ना करे, लेकिन उनके एक्शन, उनका बिहेवियर आपको पूरी तरह से ये दिख जाएगा कि हाँ, ये एक बहुत ज़्यादा क्लोजली आपको केयर कर रहा है। तो यहाँ पर आपका 50% काम तो हो जाता है कि जो एकदम टाइम पास कर रहा था उसके लिए आप और आपके साथ जुड़ा हुआ ये रिश्ता थोड़ा सीरियस हो जाता है। एंड उसके बाद आप ना अपने एफर्ट कम कर दिए, लाइक अब थोड़ा सा कम टाइम दीजिए, थोड़ा सा कम उनके साथ चीज़ें शेयर करिए और दूसरी चीज़ों में थोड़े से बिजी हो जाए। आप देखोगे कि वो पर्सन अब ना जिस हिसाब से आप सीरियस थे, जिस हिसाब से आप शायद एफर्ट लगा रहे थे, उस हिसाब से वो एफर्ट लगाने लगेंगे। जिनके लिए कुछ नहीं था लेकिन धीरे धीरे वो अपनी बातों में सीरियस होने लगे, तो नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि वो अपने एफर्ट में भी सीरियस होंगे। वो हो गया, आपने हमेशा के लिए उनको एक अच्छा माहौल दिया, तो अपने आप वो इंसान आगे बढ़ने वाला है। लेकिन जैसे हमें पता चलता है कि भाई वो सीरियस नहीं है टाइम पास करते, हम अपना या तो उनके साथ क्लोज कर देते, उनको भगा देते, उनके साथ झगड़ा कर लेते, या कुछ ऐसी तरह की चीज़ें कि वो इंसान ना आगे की तरह नहीं सोचेगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि ऐसा नहीं होता कि स्टार्टिंग में हर इंसान आपके साथ सीरियस रिलेशन बनाने के लिए आता है। बहुत सारे लोग ऐसे ही होते जो उनका पहले से डिसाइडेड होता है कि अपने को लाइफ में चाहे तो एक और नेक बस यही है, बात ख़त्म, और उनका वो रिश्ता बन ही नहीं पाता, ठीक है। तो अब कौन क्या सोच के आता है वो चीज़ आगे जाके ही उनको पता चलती है कि एक टाइम पास करने वाले के लिए वो सीरियस बन जाता है, एक सीरियस इंसान के लिए वो शायद रिश्ता इतना मायने ना रखता हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।